मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज है वीकेंड, वैसे आजकल तो हर दिन वीकेंड ही चल रहा है, तो आज है सैटरडे। हम लोग थोड़ा लेट से उठे हैं और ये अभी ब्रेकफास्ट है चाय और उसके साथ ये है उपमा। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज हम लोग कुछ वर्कआउट नहीं किए हैं क्योंकि बहुत लेजी फील हो रहा था, लेट से भी उठे, पता नहीं क्या बनाऊंगी। तो आज का लंच पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पे सब कोई बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो मैं पहले अपना चाय पी लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। माने तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, मैं सोची कुछ इवनिंग स्नैक बनाती हूँ। तो अभी मैं केक बना रही हूँ जो कि बहुत हेल्दी होता है, और ये कैरेट, एक्चुअली कैरेट केक है पर उसमें मैं थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये प्रोटीन कैरेट केक है जो कि इवनिंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ये है हाफ कप दही, ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, ये भी हाफ कप से मैं थोड़ा कम लूँगी, बस इतना ही, ये लगभग 1/4 कप होगा। मैं ऐड कर रही हूँ हनी, आपको जितना मीठा पसंद है आप ले सकते हो। मैं इसमें ये मैं 1 कप होल व्हीट फ्लावर से बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये आधा कप हनी हो जाएगा, नई हनी ले रही हूँ। इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क, ये है 1 कप कैरेट जिसको मैंने ऐसे ग्रेट करके लिया है। तो अभी मैं इसको सारा इसमें डाल देती हूँ, बनता है ये और ये बहुत लाइट रहता है। अभी जितना सारा ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको मैं सीव करूँगी, उसके लिए मैं ले रही हूँ ये है 1 कप होल व्हीट फ्लावर, टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जस्ट ऐड सम पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी मैं इसको जस्ट फोल्ड कर रही हूँ। प्रोटीन पाउडर एंड दिस इज वेनिला फ्लेवर प्रोटीन पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डालोगे, पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास वेनिला फ्लेवर नहीं है, कुछ दूसरा फ्लेवर है वो भी आप डाल सकते हो। तो ये मैं 1 स्कूप ले रही हूँ। मेरा केक टिन अभी रेडी है, इसको थोड़ा सा मैं ऑयल ब्रश की हूँ, उसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट की हूँ ताकि जो केक है वो चिपके नहीं। ये मेरा बैटर अभी रेडी है, मैं जिसको इसको 2-3 बार ऐसे टैप कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से लेवल अप हो जाए। मैक्सिमम 35 मिनट में ही हो जाएगा, तो मैं इसको अभी 30 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ फॉर 180 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हो मैं अभी वर्कआउट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है, जिसमें मैं केक के लिए ही वेट की थी। तो 30 मिनट के बाद ये जो हमारा केक है ये बहुत अच्छे से बेक होके निकला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, बस इसको मैं ठंडा होने देती हूँ, फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसा बना है, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हम लोग जा रहे हैं वर्कआउट के लिए, आप लोग भी अच्छे से वर्कआउट कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है मतलब हम लोग को अंदर से भी उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जिम नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हो सके आप कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट का कुछ भी आप कीजिए वर्कआउट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कआउट के लिए, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, और ये वाला वीडियो लाइक शेयर भी कीजिए। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।